हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आल्टो 800 के बारे में। कार जो है मिसिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि गाड़ी कार को जब स्टार्ट करते हैं तो मिसिंग इतनी ज़्यादा है कि एसी चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। जैसे एसी ऑन करते हैं वैसे ही बंद हो जा रही है। तो इसमें काम भी हो चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉइल भी चेंज हो चुकी है, प्लग भी स्पार्क प्लग भी चेंज हो चुके हैं और इंजेक्टर भी चेक हो चुके हैं, फिर भी फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है। अभी उसमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आया किसी को। तो अभी हमारे पास गाड़ी आई है तो फिर हम उसको चेक करते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। और तो अभी हम कार को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है जो कि देख सकते हैं कितनी तेज वाइब्रेट और मिसिंग भी कर रही है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो अभी हम इसको चेक करने वाले हैं, इसका ये कपलर निकाल के। तो ये हमारा 3 नंबर वाला सही काम कर रहा है क्योंकि गाड़ी बंद हो गई है। अभी हम दोबारा मारते हैं सेल्फ। दो नंबर भी बंद हो गया। तो हमारा दो नंबर और 3 नंबर सिलेंडर काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी तेज बुरी तरीके से भग 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 करके बंद टक टक। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं 1 नंबर हमने निकाला तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, कोई इंजन पे असर नहीं पड़ रहा है। तो जो प्रॉब्लम है ये 1 नंबर में ही है, ज़्यादा देख सकते हैं। नहीं देखिए, नंबर वाला चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जैसे कि हम इसकी लेटर देके इसका कपलर निकालेंगे। तो अभी हम इसी तरीके से चेक करने वाले हैं। अभी हमने ये 1 नंबर और 2 नंबर का भी कपलर निकाल दिया है। चलो स्टार्ट करो। तो अभी हम ये 3 नंबर वाला भी निकालेंगे और 2 नंबर का लगाएंगे। चलो करो स्टार्ट।
तो ये दो नंबर भी नहीं काम कर रहा है और एक नंबर भी देखते हैं। चलो बस, तो अभी इसमें जहाँ तक लग रहा है इसमें हेड के वाल में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारा जो है एक नंबर और दो नंबर काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल। जब हम इंजन स्टार्ट करके और एक्सीलेटर देके कपलर निकालते हैं तो एक नंबर पर गाड़ी एक्सीलेटर लेती है, तो जो तीन नंबर वाला है वो तो चाहे दो एक नंबर दो नंबर निकाल दो फिर भी तीन नंबर वाले पर चल जाती है। तो तीन नंबर जो है सही काम कर रहा है और एक नंबर दो नंबर काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो अभी हम इसका हेड खोलने वाले हैं, हेड खोल के फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि वाल भी ख़त्म हो सकते हैं और वाल टेढ़े भी हो सकते हैं क्योंकि आवाज़ भी आ रही है थोड़ा टिक टिक की। तो फाइनली आज हम इसको चेक करने वाले हैं इसमें क्या क्या और हो सकता है। तो अभी देखिए हम इसका एसी ऑन कर रहे हैं, जैसे ऑन करते हैं वैसे गाड़ी बंद, ये देखिए तुरंत एसी ऑन करते ही बंद, बिल्कुल लोड ही नहीं ले रही है। देखिए कितनी बंद, तुरंत बंद हो जा रही है, एक मिनट। तो अभी ये इसका हेड खुल रहा है, ये देख सकते हैं। खोलो खोलो जल्दी निकलो, इधर सोम पकड़ो, इधर जाओ उधर ट्रॉटल पकड़ो। जाम है लग रहा है, कुछ लेके आओ पेज उठ कर से उठाओ। चलो निकालो, चलो चलो। तो अभी देख सकते हैं इसमें ये बिल्कुल काला पड़ा है और ये एक नंबर वाला तो कुछ ठीक लग रहा है, तीन नंबर वाला तो कुछ ठीक लग रहा है, दो नंबर भी कुछ ठीक लग रहा है, ये एक नंबर तो बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा है, देख सकते हैं इसमें। और इसकी स्लीप भी थोड़ा डाउन है, जैसे कि रिंग दिख रहा है इसमें, ये देखिए ये। तो हेड की कंडीशन देख सकते हैं क्या है, तो अभी ये देख सकते हैं एक नंबर तो बिल्कुल ही काला हुआ पड़ा है देखिए, और ये दो नंबर हल्का काम कर रहा है और तीन नंबर जो है सही एकदम बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये एक नंबर वाला सही काम नहीं कर रहा है। तो इसको अभी हम खराद पर भेजेंगे, वाल वाल सीन ये सब चेंज होगी इसकी,
और इधर भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कार्बन बहुत ज़्यादा है इसमें। लाइट दिखाओ जरा, ये देखिए ये देखिए, पेच कर ले क्यों, इसमें लाओ थोड़ा हल्का डीजल डालो इधर। तो इसमें ये देखिए कितनी मोटी मोटी कार्बन है, ये देखिए इतनी ज़्यादा कार्बन है इसमें, ये देखिए हल्का डालो ढक्कन से डालो ढक्कन, ये देख सकते हैं ये एक नंबर और एक और दो, ये दोनों में देखिए डीजल कितना तेज से निकल रहा है बाहर, ये देखिए। बस बस इसमें मत डालो, इसमें डालो, इसमें तीन नंबर वाले में डालो। अभी इसमें दो नंबर में भी नहीं आया है, एक नंबर में तो देखिए एग्जॉस्ट वाले से पूरा डीजल बाहर आ रहा है, जो कि केम वगैरह कुछ नहीं बंधी हुई है, ये देख सकते हैं। रुक जाओ इसको पहले, चलो डन, दिखाओ इधर यार, ए ना ना रह जो अपने आप आए जो ना, तो इधर दिखाओ, कोई में और तो नहीं आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है धीरे धीरे, हल्का हल्का यहाँ से निकल रहा है, मैं पूरा भीग गया। और लगा देखो बहुत हल्का से है वाला, एग्जॉस्ट वाला हल्का है और इंटेक वाला ज़्यादा है। तो अब हम इसको सुबह जो है इसको भेजेंगे खराद पर, ये रिपेयर होके आएगा तो फिर फिट करेंगे, फिर गाड़ी में बांध कर स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमने हेड के वाल निकाल दिए हैं, इसमें एक नंबर का वाल जो है देखिए, ये एक साइड तो पूरा ही काला हो रहा है, ये देखिए, और इधर देखिए इधर सही है यानी कि इधर काम ही नहीं कर रहा है। जो मिसिंग कर रही थी हमारी गाड़ी ये इसी की वजह थी, और इसमें देख सकते हैं कितनी कार्बन जमी हुई है, बहुत ज़्यादा कार्बन है इसमें, देखिए
बहुत मोटी मोटी कार्बन है इसमें। इतनी मोटी मोटी कार्बन है इसमें, तो इसी की वजह से लग रहा है कि इसका वाल जो है ये वाल के बीच में आ गया है, इसी की वजह से वाल में दिक्कत आई है। ये देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी कार्बन है। तो अभी हम इसको करवाते हैं इसको साफ, फिर उसके बाद में भेजेंगे खराद पर। देख सकते हैं इसमें कितनी मोटी मोटी कार्बन जमी है, बहुत ज़्यादा कार्बन है, शायद दिख नहीं रहा है। तो अभी हमने इसका पूरा साफ कर दिया है, जैसे कि देख सकते हैं सफाई कर दी है, क्लीनिंग। और देख सकते हैं इसमें वाल भी टच हुआ था, देखो पहले वाल टच हुआ था, सारे वाल टच हुए थे, कहीं गैसकेट वगैरह डलवाए थे भैया ने ना, तो हो सकता टाइमिंग वाइमिंग कुछ गलत बन गया होगा, इसलिए ये देखिए कट पड़ा हुआ है। तो अभी हमारा ये कंप्लीट है, अब इस पर गैसकेट लगा के और लगाते हैं हेड को, और ये हमारा हेड भी तैयार हो गया है पूरा। सफाई से और इसमें वाल वगैरह नया डला दिया है पूरा जेन्युइन, देख सकते हैं। तो अभी हम इसको फिट करके फिर देखते हैं हमारी गाड़ी सही है कि नहीं। तो अभी हमने इसमें मोबिल भी नया बदल रहे हैं, नया डाल रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं ओरिजिनल मोबिल है। तो हम इसमें ये वाला यूज करने वाला है मोबिल, चलो डालो। मोबिल डाल के फिर देखते हैं स्टार्ट करके। चलो तो देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट कर दिया हमने, तो कोई किसी तरह की मशीन वगैरह है नहीं इसमें। अब एसी ऑन करो, देख सकते हैं एसी भी चल रहा है इसका, लाल लाइट लगा है। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल एकदम साइलेंट है, कोई किसी तरह की हंटिंग वगैरह है नहीं इस पर। तो हमारी जो दिक्कत थी वाल की वजह से थी, देख सकते हैं अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो वाल से ही थी। अभी देख सकते हैं हमने दो का कफलर निकाल दिए हैं, देखिए दो का निकाल दिए हैं, और जो है चलो करो स्टार्ट, चलो तुम्हारे देखो बिना एक्सीलेटर लिए स्टार्ट हो रही है गाड़ी, मारो सर।
जो कि पहले स्टार्ट ही नहीं हो रही थी बिल्कुल, एक नंबर पर। तो अभी हम इसी तरीका से तीनों चेक करने वाले हैं, और ये दो नंबर लगाया है हमने, और ये तीन नंबर और एक नंबर भी निकाल दिया है। चलो स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट हो रही है कार। तो अभी हमारा जो सिलेंडर है वो तीनों प्रॉपर काम कर रहा है। मारो सर, तो स्टार्ट हो रही है, तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो वाल से थी, वो उसको हमने नया डला दिया है, वाल वाल सील वगैरह। तो जो कार है वो ठीक हो गई है। अब स्टार्ट करो जरा। देख सकते हैं एसी चलाओ। एसी ऑन करो। एसी ऑन करो भैया। तो अभी देख सकते हैं एसी भी ऑन है और गाड़ी हमारी जो है चल रही है, देख सकते हैं। हटो जरा। जो देख सकते हैं ये एसी हमारी ऑन है, ये देखिए, ये देखिए गाड़ी है जो है अभी चल रही है, स्टार्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। पहले क्या था, एसी जब ऑन करते थे तो बंद हो जाती थी तुरंत। ये देख सकते हैं इसका टेम्परेचर घूम रहा है। चलो बंद कर दीजिए गाड़ी।